नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। ये रिक्रूटमेंट दोस्तों आ रही है LIC की तरफ से, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसमें कि हर एक जोन के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट करा गया है। नॉर्थन जोन के लिए भी रिक्रूटमेंट है, उसके बाद जो ईस्टर्न सेंट्रल जोन के लिए भी है। और यहाँ पे अगर आप बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज 9,000 से ज़्यादा की हैं, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। हर एक लगभग स्टेट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, अलग अलग जो है ये यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो जारी करी गई है। आप जिस भी सिटी के लिए या जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करके उसकी नोटिफिकेशन जो है वो रीड कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया जो है वो लगभग सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम है, एज क्राइटेरिया वो भी सेम है, एग्जाम भी लगभग सेम ही है। तो आप जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन खोल के एक बार रीड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं एक के लिए आपको बता देता हूँ, बाकियों का आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी नोटिफिकेशन जो अलग अलग जो है वो सिटीज़ के लिए हैं, आप इनको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों मैंने जो है वो एक रिक्रूटमेंट जो है वो ओपन करी हुई है, ये वाली। तो ये दोस्तों रिक्रूटमेंट जो है वो अजमेर की है, और क्राइटेरिया मैंने जैसा कि आपको बताया लगभग सेम है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 95 है, बाकी अलग अलग जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज है अलग अलग सिटी और अलग अलग जो है वो जोन के लिए, तो आप खुद भी आके जो है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आवेदन जो है वो मांगे गए हैं, 17/9 से आवेदन शुरू है, 1/10/2019 तक चलेंगे। इसी के बीच में आपको जो है आवेदन करना है, कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड करनी है 15/10/2019 से लेके 22/10/2019 के बीच में, और एग्जामिनेशन आपका जो है वो अक्टूबर के मंथ में होने वाला है। बात करें एज की, तो 18 से लेके 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, जैसा कि पहले मिलती आई है, यहाँ पे साफ साफ जो है वो लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है किसी भी डिसिप्लिन में। आपने अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिएगा, नोटिफिकेशन रीड करके फिर आप जो है वो अप्लाई करिएगा। बात करेंगे दोस्तों सैलरी की, तो यहाँ पे दोस्तों जो बेसिक है वो आपको 14,435 रुपये पर मंथ जो है वो मिल जाएगी, साथ में लोवेस्ट डाले जाएंगे। इसमें जो है आपको जो है वो इंश्योरेंस वगैरह का सारा सारी चीज़ें जो है वो डाली जाएंगी, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 30,000 पर मंथ जो है आपको सैलरी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो यहाँ पे दोस्तों अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 510 रुपये प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है वो रखे गए हैं। बाकी अगर आप आते हैं SC ST PWD कैंडिडेट, तो यहाँ पे दोस्तों 85 रुपीज़ जो है वो फीस रखी गई है, लेकिन GST और ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है अलग से आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जो है बात करते हैं एग्जाम की, तो यहाँ पे दो एग्जाम हो गए, पहला फेस 1 जिसमें प्राइमरी एग्जामिनेशन होगा, दूसरा फेस 2 जिसमें मेन एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे दोस्तों पहले में जो सब्जेक्ट आएंगे वो आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, और ये 1 घंटे का जो है वो होने वाला है, 20-20 मिनट के तीनों सेक्शंस जो है वो होंगे, और एक साथ ही जो है वो लिया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन में दोस्तों जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, उसके बाद जो है वो जनरल इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जनरल फाइनेंस अवेयरनेस होगी, और बाकी इंग्लिश में जो है वो जनरल इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी दोनों लैंग्वेजेज में आपका जो है वो लिया जाएगा। 30-30 मिनट के ये 3 सेक्शन जो है वो होंगे, लेकिन पहले में क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो बस दोस्तों यही लिखा गया नोटिफिकेशन में, अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके क्लिक केयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर उनके आंसर जो है वो दे दूंगा आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।